अमेरिकी टीचर्स ने देखा केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल हैप्पीनेस और ईएमसी क्लास में लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की विश्व भर में चर्चा है। विदेशों से भी शिक्षक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए बदलावों को देखने के उत्सुक हैं। इसी कड़ी में 15 अमेरिकी शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को हैप्पीनेस और ईएमसी क्लास में पहुंचा। इन शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने वेस्ट विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। ये शिक्षक अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित फुल ब्राइट टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के फुल ब्राइट टीचर्स फॉर ग्लोबल क्लासरूम कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अमेरिकी शिक्षकों ने देखा दिल्ली शिक्षा मॉडल। अमेरिकी शिक्षकों ने अपने दौरे में दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन को देखा। इस दौरान वे क्लासरूम में होने वाली गतिविधियों का हिस्सा भी बने। इन सभी शिक्षकों ने हैप्पीनेस क्लास में भाग लेकर माइंडफुलनेस किया, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ईएमसी की क्लास में भी हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की और उन्हें दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों से अवगत कराया। शिक्षा मंत्री आतिशी बोली, हर बच्चे को मिले शिक्षा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना है, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 8 सालों से शिक्षा को कुल बजट का लगभग 25% हिस्सा दिया जाता है। सरकार द्वारा शिक्षा में इस निवेश की बदौलत स्कूल के बुनियादी ढांचे में। इस मौके पर अमेरिकी शिक्षकों ने भी अपने विचार साझा किए।